आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा इसके बारे में. इन दिस वी शुड नो फ्यू थिंग्स लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवेसिव स्पीसीज और एलियन स्पीसीज, व्हाट आर द नेचुरलाइज्ड स्पीसीज. पढ़ा है किसी ने कुछ इसके बारे में? एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा आपने. रिसेंटली आपने नाम सुना है फॉल आर्मी बॉम्ब? यस सर. वो क्या है सर? पेस्ट, मतलब पेस्ट को इनवेसिव. सी, लेट अस सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. इकोलॉजिकल में हम इसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम. अ पर्टिकुलर एरिया, ध्यान से समझना, बिकॉज दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है. नाउ आउटर स्पीसीज को क्या कहेंगे हम, विच इज नॉट बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर एरिया? एलियन स्पीसीज है ना, ठीक है. नाउ सपोज अ पर्टिकुलर स्पीसीज, कोई प्लांट, कोई वीट, जैसे कांग्रेस ग्रास का नाम सुना, पार्थेनियम, उसकी स्टोरी क्या है? नो, इन 1950s जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, they import wheat from USA, ठीक है. In that wheat, there were small seed particles of this particular wheat, Parthenium wheat, right? तो वो आपने देखी होगी बात, है ना? देखिए, वो green color की है, सभी जगह है, ऐसा नहीं उस पर. No, those small seeds, right? They become invasive. तो वो पुअर क्वालिटी वीट थी, राइट. एंड अल्टीमेटली वो, क्योंकि कांग्रेस ने इंपोर्ट की थी, दैट्स व्हाई दे गेव नेम इट टू एज ए कांग्रेस ग्रास, भी जानते हैं ना, ठीक है. क्योंकि वो कांग्रेस के टाइम इंपोर्ट की गई अनइंटेंशनली, ठीक है. ऐसा नहीं कि उनके जानबूझ कर लेकर आए थे, मजा आया लेकर, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट outcome of that congress grass is asthmatic diseases, right? Respiratory diseases. तो जो बच्चे वगैरह हाथ वगैरह लगाते हैं उस पर ना, तो वहाँ पर respiratory disease के reason. So it means that invasive species are one of the biggest concern to wildlife, है ना, ठीक है. Now outer species are called alien species. We can also say that exotic species. एक और नाम use करते हैं. देखो नाम तो हंड्रेड्स हैं, बट इम्पॉर्टेंट जो नेम है, एग्जॉटिक, इट मीन्स दीज आर नॉट बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया. नाउ इफ आई गिव यू एग्जांपल, यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा. नाउ इफ दे सेड दैट सम स्पीसीज इंपोर्ट टू इंडिया फ्रॉम चाइना, तो वो इंडिया के लिए क्या होगी? एलियन स्पीसीज, है ना. इफ आई से दैट सम स्पीसीज इंपोर्ट टू पंजाब फ्रॉम हरियाणा, तो पंजाब के लिए क्या होगी? एलियन स्पीसीज. अगर वो उस एरिया में है नहीं, ठीक है. इफ दैट एरिया इज अ न्यू एरिया. इफ आई से दैट सम स्पीसीज इंपोर्ट टू चंडीगढ़ फ्रॉम करनाल या इवन मोहाली, तो वो क्या होगी चंडीगढ़ के लिए? एलियन स्पीसीज और एग्जॉटिक स्पीसीज. इफ दैट इज नॉट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया, इट मीन्स इट इज नॉट अबाउट कंट्री. देखो, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्री में ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है. इट इज नॉट अबाउट कंट्री, इट इज अबाउट इकोसिस्टम. इफ दैट स्पीसीज इज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड एलियन स्पीसीज. सो ऐसा नहीं है कि कंट्री में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए, ठीक है. इकोसिस्टम क्या होता है? एनवायरनमेंट में पड़ा होगा. हाँ जी, हाँ जी. लिविंग एंड नॉन लिविंग इकोसिस्टम कैन बी अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट, जहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर है ना, एंड एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड. ये यूपीएससी ने पूछा है, आई थिंक 2013 में क्वेश्चन आया था इकोसिस्टम की डेफिनेशन, ठीक है. पहले होता है पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी,
कम्युनिटी में ए बाय डी फैक्टर को हम नहीं मानते हैं ना, देन व्हेन ए बाय डी फैक्टर एडेड इट बिकम अ इकोसिस्टम, उसके बाद मल्टीपल इकोसिस्टम बायोम एंड बायोसिस वो एनवायरनमेंट में पड़ा होगा। तो पहला जो कंसेप्ट है दैट वी नीड टू क्लेरिफाई इज दैट एलियन स्पीसीज इज दोज स्पीसीज विच डू नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो वर्ड वहाँ पर इकोसिस्टम है, ठीक है, क्लियर इतना? ओके तो डेफिनेशन लिख लो, एलियन स्पीसीज इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन नेटिव एग्जॉटिक एंड फेरल। तो ये सारे नाम सेम है, ठीक है, फेरल एफ ई आर एल एलियन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज मतलब किसी एरिया को बिलोंग नहीं करती, एग्जॉटिक नॉन नेटिव सेम ही होगा, फेरल है ना। सो स्पीसीज दैट हैज बीन इंटेंशनली, स्पीसीज दैट हैज बीन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड टू अ लोकेशन, intentionally or unintentionally introduced to a location or region where it does not occur naturally, where it does not occur naturally, clear इतना, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, if UPSC asks you that particular species introduced from A area to B where it was already present, तो वो alien species नहीं होगा, क्योंकि वो तो already present है वहाँ पर, है ना। If that species is not present then we will call it alien species, इतना concept clear है। Now let us suppose a particular species, even a इसकी pomerous grass की बात करें, है ना। Now it introduced in particular area, India में आ गई, है ना। फर्स्ट थिंग इसके दिमाग में क्या होगा, चलो प्लांट है बट एनिमल कैन बी, है ना, पहली बात क्या होगा, इट हैव टू सर्वाइव दैट पर्टिकुलर न्यू एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। इट मींस फर्स्ट इज सर्वाइवल, सर्वाइवल ये स्पीसीज कैसे इन्वेसिव बनती है उसकी पूरी प्रोसेस है, पहले सर्वाइव होगी। इवन यहाँ यूपी बिहार से तो नहीं है, ओके सी माइग्रेशन फ्रॉम यूपी एंड बिहार, लेट अस से पंजाब में आते हैं, पहले क्या होता है कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है एक या दो तीन नो प्रॉब्लम, नो विद द टाइम अब उनके पास तो प्रॉपर्टी है पंजाब में इतनी, है ना। सो दे राइज, इवन इफ पंजाबीज और एनी इंडियन इवन चाइनीज दे राइट दे माइग्रेट टू कैनेडा, तो कैनेडा में स्टार्टिंग में रेसिज्म हुआ था, स्टार्टिंग में रेसिज्म हुआ था कैनेडा में, नहीं हुआ था यार स्टार्टिंग में, नहीं अब हुआ है, समझे, समझो आप अगर लेट अस सपोज 100 कैनेडियन उसमें दो इंडियन है तो क्या प्रॉब्लम है, जब तक आप रिसोर्सेज की डेंजर नहीं है तब तक तो रेसिज्म होगा ना, वो अलग बात है जो आप सोच रहे हो ना, रेसिज्म मतलब मैं रेसिज्म का रीजन इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ड्यू टू लेस रिसोर्सेज, नाउ दे रियलाइज कि हमारी जॉब तो ये ले रहे हैं, है ना, जो वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर थे हमारे यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर हैं वहाँ, है ना, वो ही ले रहे हैं जॉब, तो उसके कारण क्या हुआ फ्रिक्शन, दिस इज द रीज़न कि जो डिफरेंट कंट्रीज अभी माइग्रेशन रूल को रिवाइज कर रही, दिस इज द ऑल्सो अ रीजन ब्रेक्सिट जो ब्रिटेन अलग हुआ यूरोप से, है ना, वही रीजन रीजन है ना माइग्रेशन, क्योंकि लोअर हाई क्लास वैरायटी जब ब्रिटेन में जाती है दे गेट अ जॉब इंस्टेड ऑफ लोकल ब्रिटेन पॉपुलेशन। तो इट मीन्स एट स्टार्टिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर थोड़ी पॉपुलेशन, नो विद द टाइम क्या होगा, कैनेडा में देख लो इंडियन विद द टाइम कहाँ पर पहुँच गया, गवर्नमेंट में, है ना। सो दिस इज द राइज, पहले स्पीसीज आई पर्टिकुलर एरिया में दे विल सर्वाइव, कुछ स्पीसीज सर्वाइव करेंगी कुछ स्पीसीज दे आर अनएबल टू सर्वाइव, है ना, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट है। सो विद द सर्वाइवल क्या होगा,
देन नेचुरलाइज्ड, एक प्रोसेस है कि नेचुरलाइज्ड, नेचुरलाइज्ड मींस दैट स्पीसीज इज नेचुरल, राइट, इट लुक्स लाइक ए वेरी नेचुरल। पहले आपने देखा एक पर्टिकुलर एरिया, उसमें एक प्लांट अलग तरीके से लग रहा है, विच इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट, तो वो आपको पता चल गया ये एलियन स्पीसीज है ना। आप एक महीने बाद गए, वहाँ पर वही सेम क्वालिटी के 10 प्लांट हैं, ठीक है, आपको लगा ये ठीक है, अभी भी थोड़ा सा अलग लग रही है, बट आफ्टर वन मंथ आप गए तो वहाँ पर काफ़ी एरिया वो पर्टिकुलर न्यू स्पीसीज का था, आपको लगा वो नेचुरलाइज है कि वो इसी एरिया की होगी। ऐसा ही होता है ना हमारे दिमाग में, अगर एक स्पीसीज है, अगर एक प्लांट है तो आपको लगेगा ये इस एरिया को बिलोंग नहीं करता है ना, बट अगर उसी का एरिया काफ़ी इंक्रीज हो जाए तो देन इट इज़ कॉल्ड नेचुरलाइज्ड, कि उसने पूरा नेचुरलाइज कर दिया। नो आफ्टर दिस, अगर ये नेचुरलाइज से दूसरी स्पीसीज को हार्म करें, कि इसकी इतनी ग्रोथ हो जाए कि दूसरी स्पीसीज की ग्रोथ डिक्रीज हो जाए, अब ये होगा कैसे, या तो ये कोई टॉक्सिन रिलीज करें, या फिर इसकी वाटर गजलिंग कैपेसिटी हाई हो, है ना, कि वाटर ले जाए, या फिर ये जो सॉइल है, सॉइल में से न्यूट्रिएंट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करे एज कम्पेयर टू अदर, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इट मीन अब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स, अगर मोर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगी इट मीन दैट फॉर द अदर प्लांट स्पीसीज देर विल बी अ लेस, वी कैन से द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, है ना, तो उसमें क्या होगा, इट विल डोमिनेट, डोमिनेट कर जाएगी, नहीं, आपने फिल्मों में देखा होगा ना गुंडा टाइप, भाई लोकल पॉपुलेशन को डोमिनेट कब करेगी, इफ दिस स्पीसीज हैव हायर कैपेसिटी, है ना, टू अब्जॉर्ब वाटर और अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब जिस स्पीसीज में वो कैपेसिटी आ जाती है दैट विल बिकम अ इन्वेसिव, इतना समझ आया या नहीं, दैट इज कॉल्ड इन्वेसिव। सो इट मींस दैट इन्वेसिव स्पीसीज हम किसे कहेंगे, ओनली इफ इट हार्म टू अदर प्लांट्स, क्लियर। सो इट मींस दैट इफ यू लुक एट द होल प्रोसेस ऑफ द स्पीसीज इट कैन बी एलियन और लोकल। एक बात तो ये, वो सेकंड स्टेप, फर्स्ट इज सर्वाइवल, है ना, सर्वाइवल होगा स्पीसीज का न्यू एनवायरनमेंट, वंस इट सर्वाइव देन इट विल एक्सपेंड, नो विद द एक्सपेंशन इट बिकम अ नेचुरलाइज, ऐसा लगेगा उसी एरिया में ही है ना, उसी एरिया की है, नो वंस इट नेचुरलाइज सम स्पीसीज बिकम इनवेसिव दे विल हार्म द अदर स्पीसीज। ऐसा नहीं है कि कोई एलियन स्पीसीज है वो हर एक सर्वाइवल होगी, लेट अस सपोज देयर आर 100 एलियन स्पीसीज व्हिच इंट्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर एरिया, अकॉर्डिंग टू अ थंब रूल देयर विल बी अ ओनली 10% स्पीसीज व्हिच विल गोइंग टू सर्वाइव, इट इज 100%, लेट अस से 10% विल गोइंग टू सर्वाइव, एंड आउट ऑफ दिस 10% अगेन 10% आउट ऑफ दिस, ठीक है, दे विल नेचुरलाइज, एंड आउट ऑफ दिस अगेन 10% दे विल बिकम अ इन्वेसिव, क्लियर है ना। अब इन्वेसिव स्पीसीज की डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ स्पीसीज दैट हैज, इट इज अ स्पीसीज दैट हैज एस्टेब्लिश्ड एंड स्प्रेड और पोटेंशियल टू डू सो, और पोटेंशियल टू डू सो आउटसाइड ऑफ नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, विच देन थ्रेटन इकोसिस्टम आउटसाइड ऑफ इट्स नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज विच देन threatened ecosystem and harm to human health and environment, clear hai, harm to human health and environment। ab dekho first thing is invasiveness, theek hai, clear hai itna, invasiveness matlab when it start harming to other, वो कब होगा, when it will absorb more nutrient। अब एक और clarification, invasive species can be anything, it is not only plant, it can be pest, जैसे भी
फॉल आर्मी वॉर्म है वो क्या है, डेट इज़ द बेस्ट है ना, टू ईट मोस्टली फीड ऑन मेज इवन अदर एज वेल, तो इट कैन बी एनिमल और इट कैन बी प्लांट। इवन हमने स्पॉटेड डियर हमने इंट्रोड्यूस किया था अंडे बांध में, राइट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर, उसका प्रीडेटर नहीं था, उसकी ग्रोथ क्या होगी, दैट विल इंक्रीज एंड इट बिकम अ इन्वेसिव स्पीसीज, सो इट कैन बी एनीथिंग, कितना क्लियर है। सो इफ यूपीएससी आस्क यू इट इज प्लांट ओनली, नो, इट कैन बी एनीथिंग। सेकेंड थिंग इज इट कैन बी इंटेंशनल और इट कैन बी अन इंटेंशनल, ये भी याद रखना। कांग्रेस ग्रास क्या थी, अन इंटेंशनल, बट इन इट कैन बी इंटेंशनल, इंटेंशनल कैसे होगी, चलो वो बात भी करते हैं। सेकेंड थर्ड थिंग इज नॉट इन्वेसिव, अगर आपको ये पूछा जाए दैट इन्वेसिव स्पीसीज आर ओनली द एलियन स्पीसीज, तो ये सपोज यूपीएससी में आ गया, करेक्ट है या रॉन्ग, रॉन्ग, इन्वेसिव स्पीसीज कैन बी अ लोकल स्पीसीज एज वेल, वो कैसे होगा, लेट अस से देयर आर 10 स्पीसीज इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, नो विद द चेंज इन क्लाइमेट इफ टू स्पीसीज डाइड, क्योंकि वो टॉलरेट करने की हाई लिमिट नहीं है ना, एंड टू स्पीसीज सर्वाइव नेचुरलाइज कि वो नॉर्मल रहे, एंड टू स्पीसीज दे ग्रो एट अ मेंस रेट, वो एकदम से ग्रो करने लगी, उनको फेवरेबल हुआ एनवायरनमेंट, एंड दैट बिकम अ इन्वेसिव, सो इट मीन्स एलियन स्पीसीज कैन बी इन्वेसिव एंड नेटिव स्पीसीज कैन बी इन्वेसिव, जो एलियन स्पीसीज इन्वेसिव दे आर कॉल्ड IAS, वो आप वाला दैट इज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, दे आर कॉल्ड इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, अगर लोकल स्पीसीज इन्वेसिव होगी देन इट इज नेटिव एलियन स्पीसीज और नेटिव इन्वेसिव स्पीसीज, क्लियर है सर, तो मैं वो फैक्ट क्लियर कर रहा हूँ बिकॉज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा एक और क्वेश्चन, इफ इट सेज दैट ऑल इन्वेसिव स्पीसीज आर एलियन स्पीसीज, ये तो गलत हो जाएगा है ना, बिकॉज नेटिव स्पीसीज कैन बी इन्वेसिव। द सेकेंड थिंग इज ऑल एलियन स्पीसीज आर इन्वेसिव स्पीसीज, दैट इज अगेन रॉन्ग, बिकॉज हम रूल याद करो 100% एलियन है, ओनली 10% सर्वाइवर, इट मीन्स 90% आर नॉट एबल टू सर्वाइव है ना, अगर इसमें 10% सर्वाइव कर रहे हैं तो बाकी 90 कहाँ रहेगी, दे आर अनएबल टू सर्वाइव, 10% सर्वाइव है, नेचुरलाइज कितनी हो रही है, जस्ट 10% आउट ऑफ दिस, इट मीन्स दैट बाकी किसकी 90% कहाँ गई, दे आर अनएबल टू नेचुरलाइज, क्लियर, इतना क्लियर है, ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यूपीएससी जनरली आस्क इज अबाउट स्पीसीज, वो स्पीसीज लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, स्पीसीज का नाम दे दिया कि ये है क्या, इन्वेसिव स्पीसीज यहाँ क्या है, ठीक है, इट मीन्स ऑल्दो इन्वेसिव स्पीसीज की अगर इंडिया में बात करें तो इट इज़ समवेयर मोर देन 100, कभी कहीं तो रिपोर्टेड ही नहीं हुई, बट फॉर द यूपीएससी यू हैव टू नो द स्पीसी विच आर कॉमनली न्यूज, अब इस साल में जो न्यूज़ में रही है ना, तो वो सारी आपको होनी चाहिए। नाउ सेकेंड थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट दैट इज हाउ स्पीसीज, हेडिंग लिख लो, हाउ स्पीसीज आउट परफॉर्म लोकली अडेप्टेड इंडिजीनियस स्पीसीज, हाउ स्पीसीज आउट परफॉर्म लोकली अडॉप्टेड और अडेप्टेड इंडिजीनियस स्पीसीज, ये क्लियर है नाउ, व्हाई और व्हाट आर द रीजन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, तो कुछ तो होगा है ना कि इन्वेसिव स्पीसीज में कुछ ऐसे फैक्टर होंगे विच हेल्प देम टू इंक्रीज इट एट ए नॉर्मस रेट है ना। नंबर वन इज बेटर कंपिटिटर,
तो सम स्पीसीज कैन बी बेटर कम्पीटेड। ये आपको यूपीएससी प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंड्यूस मोर इन्वेसिवनेस, ठीक है। सो नंबर वन, तो ये ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, तो ये आप याद रखना, बेटर कम्पीटेटर, सम स्पीसीज कैन बी बेटर कम्पीटेड एज कम्पेयर टू अदर। अगर एनवायरमेंट चेंज हुआ है ना, सम स्पीसीज आर नॉट एबल टू सर्वाइव बट सम स्पीसीज कैन सर्वाइव, सो इट मीन्स सम स्पीसीज कैन बी अ बेटर कम्पीटेटर as compared to other. This is a one factor. The second factor is absence of enemies. Absence of enemies. कि उसका enemy हो ही ना, जैसे मैंने spotted deer की example दी, due to lack of predator, वहाँ पर deer की population अंडमान में बहुत increase होगी. So it means that उसका predator तो था नहीं. This is the one of the reason that it expand, है ना? Second example is West Nile virus. West Nile virus. न्यूज में था मेरे समझ, वेस्ट नाइल वायरस, नो दिस वायरस नीड मॉस्किटो, है ना, मॉस्किटो चाहिए इसको। तो अगर मॉस्किटो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या होगा? इफ आई से दैट वेस्ट नाइल वायरस कैन बी ग्रोन इन अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशियन और दिस ग्लेशियर, है ना, पोलर रीजन पे क्यों नहीं है? बिकॉज वेरी लेस मॉस्किटो, इट मीन्स दैट इन युगांडा और अफ्रीका, अफ्रीकन नेशन है ना, यहाँ पर तो मॉस्किटो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल एरिया, दैट इज अ वन ऑफ द फैक्टर फॉर देयर स्प्रेड। आगे लिखो, द थर्ड वन इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, सो रिसोर्सेज में कैसे होगा? नो इफ द रिसोर्सेज आर सफिशेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्स ज्यादा है, दैट गिव अ बेटर चांस फॉर अ स्पीसीज टू ग्रो, क्लियर इतना। द नेक्स्ट वन इज एनिमी रिलीज हाइपोथेसिस, एनिमी रिलीज हाइपोथेसिस, इसके अंदर लिखो व्हेन प्लांट स्पीसीज इज इंट्रोड्यूस्ड टू एलियन हैबिटेट, व्हेन प्लांट स्पीसीज is introduced to alien habitat, other natural enemies pay little attention, other natural enemies pay little attention, जैसे मैंने आपको अभी एक example दी थी Canada की, when the few people at the starting, है ना, they migrate to Canada, अगर 100 Canadian है वहाँ से 5 Indian है तो इतनी attention तो नहीं होगी कि हमारे लिए खतरा है, है ना, no, similar to these species, when out of 100 type of plants, अगर एक plant out of species का भी है तो वो इतनी attention नहीं होती, है ना, कि कोई बात नहीं इसमें क्या है, even the animal, animal में भी अगर एक new animal आ गया तो उसमें कोई वो इतनी attention pay नहीं करता, उनकी food chain में वो include नहीं होता, no, with the time, when their number increased, then they pay attention, so it means that at starting, जब बाकी species उनको attention नहीं दे रही, that give them a room to grow, है ना, मूवी में वगैरह आपने देखा ही होगा, ठीक है, ओके, नॉट टू इम्पॉर्टेंट टर्म इसी में, वन इज फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर द ग्रोथ, जो भी हमने फैक्टर किया है ना उसी के आगे इंक्लूड करना, फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, ये होता क्या है, इट गिव्स रेजिलियंस, लिखो, इट हेल्प इन्वेडर टू हैव रेजिलियंस टू एनवायरमेंट स्ट्रेस, इट प्रोवाइड और इट हेल्प इन्वेडर टू हैव रेजिलियंस टू एनवायरमेंट स्ट्रेस एंड अबिल to environment stress and ability to adjust to different environment and ability to adjust to different environment. For example, Prosopis juliflora. हाँ जी, किसके एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी, देखो वो
साइंटिफिक नाम ही पूछेंगी यूपीएससी, ऐसा नहीं पूछेगी ये वो कांग्रेस ग्रास के है, ठीक है, क्योंकि आते ही साइंटिफिक नाम है। क्लियर? प्रोसिपिस जुलिफ्लोरा, दिस वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन लास्ट लास्ट ईयर कि ये है क्या। नाउ दिस पर्टिकुलर वीड इट हैव अ फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी का मतलब है सम इनहेरेंट कैपेबिलिटी, है ना, एनवायरमेंटल, एकदम एनवायरमेंट चेंज हुआ दे कैन सर्वाइव, अगेन एनवायरमेंट चेंज हुआ दे कैन अगेन सर्वाइव। तो अब यूपीएससी ये पूछ सकती है द फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी इज रिलेटेड टू, नीचे चार ऑप्शन आते हैं। द सेकंड फैक्टर इज प्रोपेगिव प्रेशर, प्रोपेगिव प्रेशर, प्रोपेगिव प्रेशर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस्ड, नंबर वन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस्ड, एंड नंबर ऑफ, द सेकंड वन इज नंबर ऑफ टाइम्स अ पॉपुलेशन रिलीज्ड इनटू न्यू हैबिटेट। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंट्रोड्यूस्ड, द सेकंड वन इज नंबर ऑफ टाइम्स अ पॉपुलेशन रिलीज्ड इनटू न्यू हैबिटेट। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है, द प्रोपेगेशन प्रेशर, लेट अस से टू स्पीशीज ए एंड बी, ठीक है, द प्रोपेगेशन प्रेशर फॉर द ए इज 100 एंड फॉर द बी इट इज 50, तो ज्यादा इन्वेसिव के चांस किसके हैं, ए के, बिकॉज प्रोपेगेशन प्रेशर क्या कहता है, नंबर ऑफ टाइम इट इंट्रोड्यूस इनटू द न्यू एनवायरनमेंट, है ना, अगर इन्वेसिव स्पीसीज होगी जो नए एनवायरनमेंट में जाएगी, अगर एक स्पीसीज गई है एक बार है तो उसके चांसेस क्या है वहां पर सर्वाइव करे या ना करे, है ना, बट इफ प्रोपेगेशन प्रेशर इज हाई, ठीक है, तो वहां पर सपोज करो ये स्पीसीज 100 टाइम्स नए एनवायरनमेंट में गई है न्यू हैबिटेट, अगर 100 में से 50 टाइम भी सर्वाइव कर गई तो इसका इन्वेसिवनेस को 50 हो गया, बट अगर बी जो गई 50 बार है वहां से अगर 30 बार नहीं हुई तो 20 है। क्लियर? So it means that के invasiveness होना इस पर भी तो depend है कि कितनी बार नए environment में गई। Clear है? Okay. Now एक so introduction का मतलब पता चल गया, that how the method of introduction, right? कौन-कौन सी है? एक तो intentional, another one is unintentional. So UPSC ने पूछा that invasive species are always unintentional, तो वो wrong होगी से। It can be intentional और it can be unintentional. Intentional suppose करो आपने कोई species को introduce किया उसके benefit के लिए, है ना? कि आपको लगा यार ये एक product दे रही है species मुझे, तो इस product से मैं local population को resources मिलेगा, है ना? Clear? तो वो क्या intentional government ने approval किया, but with the time अगर वो उसके enemy कम हुए, है ना? या फिर कोई ऐसा एनवायरनमेंट चेंज हुआ वो एकदम स्प्रेड कर गई तो क्या होगा, दैट बिकम इनवेसिव। सो इट मींस दैट जैसे स्पॉटेड डियर है, दैट वाज इंटेंशनल, इंटेंशनली था, हमने इंट्रोड्यूस किया अंडमान में, अब उसका प्रेडेटर ही नहीं था, एट इट ग्रोड एट अ नॉर्मल रेट, तो उसको हमें कंट्रोल करना था, लेकिन वहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल वन में है, बंदा मार दो लेकिन एनिमल को हाथ नहीं लगाना, इंडिया का यही रूल है ना, तो वो प्रॉब्लम है। Clear it? Okay. Now the important question is, अब ये introduce होती कैसे है? Let us suppose कि India में introduce हुई, या तो locally India में होगी कि transfer from one area to other. दूसरा क्या होगा? Second. आपको पता है यार, बोलो. Environment concern. हाँ जी. एनवायरनमेंट की वजह से भी हो जाती है, केरला फ्लड आई थी तो देखो समवेयर अराउंड 2016 और उसके बाद अभी भी हरभजन सिंह और सौरव गांगुली को फाइन किया गया न्यूजीलैंड में क्योंकि उनके शूज डर्टी थे। अरे सच है, ड्यू टू द सॉइल शूज, क्योंकि वो आइलैंड कंट्री है। सी मैक्सिमम इन्वेसिवनेस किस में होती है, इन आइलैंड कंट्री, क्योंकि वो आइलैंड है, कुछ भी इम्पोर्ट करेंगे कहाँ से आएगा, सी से। अब सी में क्या होता है,
कार्गो वगैरह शिप से लेकर जाते हैं ना, तो इन दिस शिप दे फिल्ड अप ब्लास्ट वर्ल्ड, ऐसा ही होता है इसी, सुना है नाम कभी नहीं सुना? नाउ लेट अस सपोज दिस इज अ आइलैंड कंट्री, ठीक है, अब यहाँ से कोई यूएसए, यूएसए से एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से शिप आएगा है ना, इसमें वाटर फिल करा जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्लास्ट फिल, ब्लास्ट वाटर टू बैलेंस दिस शिप, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें पानी भरा जाता है ना, एट दैट टाइम जब यहाँ से अनलोडिंग ऑफ कार्गो होगी क्या होगा, उसके बाद ये वाटर को रिलीज कर देंगे, ठीक है, इतना क्लियर? नाउ सपोज करो यहाँ पर वाटर में वीड है, वो वाटर के अंदर चलेगी, ठीक है, शिप के स्मॉल सीड या कुछ भी है, वंस दे रिलीज्ड ब्लास्ट वाटर एट दिस पर्टिकुलर एरिया, तो वो सीड कहाँ से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, सो दिस इज द वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द इनवेसिवनेस, अब वो स्पीसीज को नया एनवायरनमेंट मिल गया, प्रोसीजर वही सेम होगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट दैट स्पीसीज कैन बी इनवेसिव इन न्यू एनवायरनमेंट, क्लियर है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज, जब न्यूजीलैंड ने फाइन किया, उसका भी रीजन यही था कि कम से कम जूते तो साफ रखे है ना, बिकॉज सॉइल्ड शूज, उनको लगा शायद सॉइल शूज में कोई भी वीड का पार्टिकल, कोई भी इन्वेसिव स्पीसीज कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन एरिया टू अदर, तो वो इतना केयर करते हैं, हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे तो आज जब वर्ल्ड कप हो रहा था आपको याद है, वो यहाँ से देश की मिट्टी लेकर गए थे उनके पास yes, देखा था आपने विराट कोहली वैसे yes, सुनकर गया तो फिर हारे है ना ठीक है, तो वो हमारे तो वहाँ पर तो एलियन स्पीसीज की तो बात छोड़ते हैं बिजनेस, न्यूजीलैंड इज वेरी स्ट्रिक्ट, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में तो चलो हमारा खून भी उधर ही गया हुआ है ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड थिंग इज हाउ टू कंट्रोल, लेट अस सपोज इंडिया, तो क्वेश्चन आपको मेंस में जो आएगा, देयर इंपैक्ट ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स इंडिया हैव टेकन और आर प्रेजेंट टू कंट्रोल दीज स्पीसीज, एक तो आपको हो गया पता चल गया, इट कैन बी थ्रू एयरपोर्ट है ना, सी पोर्ट कहीं से भी आ सकती है इंट्रोड्यूस, अगर सपोज करो कोई आपके एयरपोर्ट में कोई ना कोई फॉरन से लेकर आया चीज है ना, फाइजो सैनिटरी नाम सुना है, फाइजो सैनिटरी वही बोल क्या सुना है, यस ओके। एक तो ये मेथड है कंट्रोल का, देखो इंडिया ठीक है, दो तरह के मेथड है, वन इज व्हेन दे इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, एक तो यहाँ पर ही बैन बंद कर दो जो एयरपोर्ट है ना, सी पोर्ट, इट मींस वी नीड अ स्ट्रिक्ट रूल एट दिस प्लेस, क्लियर है। सेकंड मेथड क्या, नो वंस दे इंट्रोड्यूस, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट, अगर हम ये वाले कांग्रेस ग्रास को कब से इलिमिनेट कर देते हैं ना, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो सेकंड चांस क्या है, स्प्रे ऑफ केमिकल, स्प्रे ऑफ केमिकल यूज कर सकते है ना, टू रिमूव अ वीडिसाइड जैसे आते हैं ना, बट इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है ना, क्या होता है इससे, अगर ये वाटर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन से क्या होता है उसके बाद, बायो मैग्निफिकेशन कैन बी देयर है ना, कुछ भी हो सकता है एनवायरमेंटल पर, सो दिस इज नॉट अ सेफ मेथड। थर्ड मेथड क्या है, बायो कंट्रोल, बायो कंट्रोल मीन्स यूज अ एनिमल ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, बट बायो कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिकली, क्यों, क्योंकि कोई स्पीसीज अकेली उसी प्लांट को खाएगी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, जैसे अभी कांग्रेस ग्रास के लिए हमने एक इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसका नाम बता दूँगा आपको, वो लिख लेना एक बार, नाम उसका बड़ा ठीक है, जाइकोग्रामा बायोक्लोरेटा,
साइको ड्रामा बायो ये आपको पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट के है क्या यूपीएससी, इज इट इनवेसिव स्पीसीज, अगर आप ऑप्शन दे दें दिस इज इनवेसिव स्पीसीज, इज इट राइट और रॉन्ग, रॉन्ग, दिस इज यूज्ड टू कंट्रोल इनवेसिव स्पीसीज, जिसका नाम क्या है कॉम्प्रेस ग्रास, पेस्ट है, इंसेक्ट है, बेसिकली कंट्रोलिंग इट, ईट द फ्लावर्स ऑफ कॉम्प्रेस ग्रास। तो अभी रिसेंटली दिल्ली में 3 ईयर अगो इसको लॉन्च किया था और ऐसी न्यूज़ थी कि भाई ये सनफ्लावर को भी फीड कर, ठीक है, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल, किसको कंट्रोल करना है, कांग्रेस ग्रास। आप छोटे छोटे नाम याद कर लेना, जैसे बाइको लोरेटा है, ठीक है, छोटा नाम रख दिया अपने हिसाब से, एग्जाम में क्लिक कर पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास, पूरा नाम याद करना है, हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, कुछ भी पार्थेनियम याद कर सकते हो पार्थेनियम याद कर लो, या कोई भी पार्थिन याद कर लो, जितना भी छोटा कर सकते हो, इट डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि ये पेपर में प्री में आएगा, वहाँ से क्लिक कर जाना, ठीक है। तो स्टोरी मैंने इसकी कांग्रेस ग्रास की इसलिए बताई सो दैट यू कैन रिलेट कि ये वाला इसको कंट्रोल करने के लिए, क्लियर, ओके। नाउ द प्रॉब्लम इंडिया में है क्या, जो बेसिकली मेंस का क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट व्हाई वी आर अनएबल टू कंट्रोल दिस इनवेसिव स्पीसीज, बोल दो यार कुछ भी, कुछ तो लिखोगे, अभी मीडिया में कोई करंट अफेयर पड़ता है उसमें मैंने डाला हुआ है, मैंने स्पीसीज का नाम भी वो लिखे हुए, एक पिक्चर ही डाली हुई, सी कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, व्हेन इट रीच्ड टू एयरपोर्ट और सी पोर्ट कहीं पे भी और ट्रेन लाइन जो एक जगह से दूसरी जगह है ना, वहां पे कौन बैठे हुए हैं, लेट अस से दिस इज द व्हील, ठीक है, एग्जांपल ले लो, तो होगा क्या, यहां पर कस्टम ऑफिसर है, है ना, तो फर्स्ट कस्टम ऑफिसर चेक करेंगे कि वेदर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैव अ फाइसो सैनिटरी सर्टिफिकेट और नॉट, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट किसके लिए होता है, क्वालिटी के, ये प्रोडक्ट के पास अगर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है इट मीन्स क्वालिटी इज सर्टिफाइड कि इसमें क्वालिटी इसकी ठीक है, ऑन ये WTO के अंदर होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट UK हमारे जो मैंगोज हैं इंडिया एक्सपोर्ट करता है उस पर भी बैन लगाता है कि उस पर कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो या कोई, तो पहले चेक करेंगे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, अगर तो है ठीक है तो भी इसको भेजा जाएगा, एक डिपार्टमेंट का नाम है लंबा चौड़ा लिख लो DPP की US, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज एंड क्वारंटाइन डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टोरेज, क्वारंटाइन की स्पेलिंग मैंने लिखी DPP QS, ठीक है, क्लियर। नाउ अगर तो इसके पास फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, यस, ठीक है, तो इसको कहाँ पे भेजा जाएगा, DPP QS, ठीक है। नॉट DPP QS डिपार्टमेंट, इट इज अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये याद है, ठीक है। तो वंस दैट पर्टिकुलर वीट, इसका मतलब ये वीट कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पे है ना, दे विल डू अ सैंपल टेस्ट, सैंपल टेस्ट करेंगे एक उसका कि भाई इसमें कोई ऐसी वीट तो नहीं है,
अनवांटेड है ना, अनइंटेंशनली कैसी आ जाती है, अगर टेस्ट पास हो गया तो देन इट विल बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, अगर उसके पास सर्टिफिकेट है नहीं फिर तो कहानी खत्म। बट ऐसा इंडिया में अगर हो तो फिर वो पार्थी नहीं मारती नहीं है ना, फिर तो कांग्रेस ग्रास इंडिया में कोई भी इन्वेसिव स्पीसीज के इतने चांस ही नहीं। प्रॉब्लम है क्या, ये डीपीपी की यूएस डिपार्टमेंट में अंदर प्रॉब्लम, वन इज करप्शन, सेकंड इज स्टाफ वैकेंसीज आर देयर। अभी एक यूएस की कंपनी है जॉब, नाम उसका बुरा है, डाउ एग्री साइंस, यूएस की कंपनी है डाउ एग्री साइंस, ठीक है, उसने ब्राइब की इस डिपार्टमेंट फ्रॉम 1996 से 2001। तो ये एग्जांपल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल डाउ एग्री साइंस डाउ एग्री साइंस यूएस कंपनी है, gave bribes to Indian quarantine officials to get its product cleared। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो पूछो, मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर ये डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। अगर आपको प्रॉब्लम पूछी जाती है फर्स्ट यू हैव टू मेंशन थ्री वेज, वन इज ऑन एयरपोर्ट एंड सीपोर्ट, देन सेकंड इज यूज ऑफ केमिकल, दैट इज अ डिफिकल्ट, वी कैन से क्या कहते हैं, मोस्ट डिबेटेड प्रोसेस, क्योंकि केमिकल यूज करेंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। थर्ड वन इज बायो कंट्रोल, बट देर इज नो श्योरिटी ऑफ बायो कंट्रोल, रोल की श्योरिटी थोड़ी है कि वो उसी को ऊपर फील करेगी, है ना, इट कैन बी ऐसा ना हो वो खुद इन्वेसिव बन दे, और ऐसा हुआ भी है, यूएस ने इम्पोर्ट की थी वो इन्वेसिव बन गई। थर्ड थिंग इज सो द प्राइमरी फैक्टर इज दिस डीपीपी की यूएस, इन दिस देर इज अ करप्शन, सम टाइम कस्टम ऑफिशियल डू नॉट रेफर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू डीपीपी की यूएस, ये थर्ड फैक्टर। स्टाफ वैकेंसीज आर देयर एंड सम टाइम व्हेन द फार्मर इंपोर्ट सीड्स, जो फार्मर जो सीड को इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, है ना, तो वहां पर डीपीपी की यूएस में जाता है वो भी, और जब लेट अस सपोज 5 kg है वो, तो जब बाहर आते हैं 4 kg, ठीक है, समझे, तो वो 4 kg 1 kg उनको फार्मर्स को बोल दिया जाता है कि खत्म हो गई वो सीड, डेड सीड थे वो, हमने निकाल दिए, लेकिन उसके बाद देखते हैं अभी इंडिया में उसकी कल्टीवेशन हो रही है, समझे आप, सो दिस इज ऑल्सो आ इम्पॉर्टेंट, क्लियर है, अब क्लियर। हाँ जी, और देखो क्वारंटाइन ऑफिशियल होंगे, इंडिया में कितने पोर्ट हैं, स्मॉल पोर्ट बिगर पोर्ट है ना, एंड एयरपोर्ट कितने हैं, इट मीन्स एट एवरी पोर्ट देर इज अ क्वारंटाइन ऑफिस, है ना, बट ड्यू टू लैक ऑफ ऑफिशियल क्या होगा, अगर एक ही बैठा है वो कहेगा साइन लेते जाओ, चलता जाएगा वो, इसका मतलब प्रोसेस फॉलो ही नहीं करेंगे सैंपल टेस्ट देंगे, अगर स्टाफ भी कैसी है, क्लियर, तो दीज आर मेजर इशूज इन इंडिया। सर इंटरस्टेट कैसे कंट्रोल होगा, इंटरस्टेट का कंट्रोल ही नहीं है, इंटरस्टेट कहाँ पे कंट्रोल है, कहीं पे भी, इंडिया में इंडिया की प्रॉब्लम तो है, बट वो जैसे एक स्टेट है, अगर एक स्टेट में वो इन्वेसिव होगी तो वो दूसरी स्टेट को पता चल जाता है ना, सो दे ट्राई टू कंट्रोल दैट, ऐसा नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सैंपल टेस्टिंग हमारे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो रही। अब न्यूजीलैंड का देखो, उन्होंने क्रिकेट टीम को फाइन कर दिया हरभजन और सौरव गांगुली कि भाई साफ करो इसको, है ना, तो इंडिया में कहाँ पे, इंडिया में तो कोई मिट्टी वगैरह लगी भी हो तो कहते विदेश की मिट्टी है ले, ऐसा ही होता है भाई, इंग्लैंड की मिट्टी लेकर आया हूँ। ओके, तो इम्पैक्ट क्या होगा, वन इज इकोलॉजिकल इम्पैक्ट,
नंबर वन इज इकोलॉजिकल इम्पैक्ट. इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा? अब तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया. नाउ यू कैन इजिली राइट द व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस. इकोलॉजी में क्या इम्पैक्ट होगा? स्प्रेड ऑफ पैथोजन, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी वेस्ट नाइल वायरस की, है ना, दैट वेस्ट नाइल वायरस स्प्रेड, है ना. द सेकेंड इज, द सेकेंड थिंग इज डिक्रीज रिसोर्सेज, इसी के अंदर इकोलॉजिकल अंदर हेडिंग ही लिख दो. थर्ड इज डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी, है ना. बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी पता है. सेकंड हेडिंग लिखो इकोनॉमिक लॉस ऑफ एग्रीकल्चर. जैसे अभी कौन सा एक इन्वेसिव स्पीसीज इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है? फॉल आर बी ऑन अमेरिका से, है ना, यूएस. उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? लॉस ऑफ मेज. फर्स्ट टाइम इंडिया ने इम्पोर्ट किया, अभी रिसेंटली फिर मेज को इम्पोर्ट किया हमने, ठीक है. तो आप अभी पीडीएफ पर जाना, वहाँ पर मैंने एक पिक्चर है उसमें, जो आर्टिकल है एलियन स्पीसीज के नाम पर आर्टिकल है, तो उसमें सारी मेजर स्पीसीज के साइंटिफिक नाम और दूसरे दोनों लिखे हुए, उसको नोट डाउन कर देना, क्योंकि इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आएगा जी पी एस में. क्लियर? इवन स्केट. हाँ जी, अभी कौन सा बताया? क्या मेज? फॉल आर्मी, एफ ए डब्ल्यू. इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट है? लॉस ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरी प्रोडक्शन, लॉस ऑफ टूरिज्म. टूरिज्म लॉस होता है. अब अफ्रीका का होता है टूरिज्म लॉस और नॉट? होता है ना, ड्यू टू वेरियस डिजीजेस. अगर डिजीज होगी वहाँ पे तो उसमें क्या होगा? उसका टूरिज्म नेचुरली डिक्रीज होगा. द थर्ड वन इज पब्लिक हेल्थ. एग्जाम्पल इज वेस्ट नाइल वायरस. क्लियर? वेस्ट नाइल वायरस. ये एफ ए डब्ल्यू के नाम से जाना जाता है, इसका साइंटिफिक नेम देख लेना, एस पी ओ डी ओ ऐसा करके कुछ नंबर जोड़ा नाम. ओके, नो द सेकंड इज